ऐसा कुछ डायग्राम अपने को देख देख रखा है क्वेश्चन में, ये नाम दिया है ये क्यू, जो सेंटर ऑफ सर्कल हो गया है ओ, देन फिर ये क्या है आर पी, और ये क्या तुम्हारा आर। अब ये रीजन कैसा है, शेड है, और ये रीजन भी कैसा है, शेड है। ये दिख रहे तुमको, बुक के अंदर भी डायग्राम ऐसे ही है एज इट इज। अब अपने को कहा गया है कि शेडेड रीजन निकालना है, कौन सा निकालना है, देखो सुनो, जो कोई सी भी लाइन अगर सेंटर से पास होती है वो क्या है, टैन, हमको पी क्यू की वैल्यू दी है, कितनी दी है 24 सेंटीमीटर, और पी आर भी दिया, कितना दिया है। अब ये हमको दिख रहा है ये क्या, एक राइट एंगल, तो सबसे पहले ये क्या है, ये सर्कल का डायमीटर, डायमीटर पता है अपने को, जो कोई भी लाइन अगर सेंटर से पास होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, और वो सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में क्या कर देती है। सबसे पहले तो ये क्या दिख रहा है हमको, सेमी सर्कल। अगर हम सेमी सर्कल, क्योंकि जो डायमीटर है इसके सर्कल को दो पार्ट्स में क्या कर दिया, दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो ये क्या दिख रहा है, सेमी सर्कल। हम सेमी सर्कल में से एरिया ऑफ ट्रायंगल को क्या कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, शेड। लेकिन अगर जब सेमी सर्कल निकाल रहे उसका फॉर्मूला क्या होता है, बाई आर स्क्वायर में रेडियस दिए क्या, तो रेडियस कैसे निकालेंगे, ये क्या है, एक राइट एंगल, तो क्या लगा देंगे, इट इज ऑब्जर्व दैट, ये हमको दिख रहा है कि क्यू पी आर इज द राइट एंगल, क्यू पी आर में किसका यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, क्या होता है, हाइपोटेन्यूज के सिवाय परपेंडिकुलर के सिवाय से, हाइपोटेन्यूज क्या है, क्यू आर, ठीक है, परपेंडिकुलर क्या है, पी क्यू का पी क्यू बोल लो, क्यू बोल लो, बाकी क्या, पी आर का सिवाय, क्यू आर पता है क्या, पी क्यू कितना है, 24, और ये कितना है, 7, तो 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576, और ये कितना होता है, 49, दोनों को ऐड करें कि 625, अब अगर यहाँ से इस पर हटे तो क्या जाएगा, 25, तो क्यू आर कितना आ गया, 25, तो क्यू आर क्या है अपना, 25, क्यू आर क्या है, 27, क्यू आर क्या है, डायमीटर का हाफ करें क्या आ जाएगा, अपन लिख सकते हैं सिंस क्यू आर इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल, वो क्योंकि वो कहां से पास हो रहा है, सेंटर से, तो हम जानते हैं कि क्यू आर, सॉरी, ये डायमीटर ऑफ सर्कल, डायमीटर ऑफ क्या, ये क्यू आर कितना दे रखा है, 25, तो अगर हमको रेडियस निकालना है, रेडियस क्या होता है, डायमीटर अपॉन में 2, डायमीटर क्या 25 अपॉन में 2, ये क्या आ गया हमारा, रेडियस, क्या आ गया हमारा, रेडियस। अब इसके बाद में ये आ गया, इसके बाद में क्या निकाला अपने को, शेडेड रीजन, क्या निकालना है, शेडेड रीजन, तो कॉपी में लिखना है कि शेडेड रीजन, शेडेड रीजन कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का एरिया कौन कौन सा आएगा, ये ओ क्यू पी आर, देख रहे ना, ओ क्यू पी आर, ये पूरा क्या बना रहा है, ठीक है ना, चाहो तो लिख लेना ओ क्यू पी आर, ये क्या है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का मतलब होता है ये पूरा आ गया एरिया, तो अपने को ये चाहिए कि पूरा नहीं, तो सेमी सर्कल में से किसको माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, पी क्यू आर, इधर है ये पी क्यू आर, हाँ देखो एरिया ऑफ सेमी सर्कल पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इनटू पाई, पाई तो 22/7, 22/7 पहले से क्या है अपॉन में 2, रेडियस कितना आया, 25/2,
25 by 2 minus half base into pi r cube. इसको अपन क्या पे लिख लेते हैं, ये देखो pi r स्क्वायर अपॉन में 2 क्या आ गया, सेमी सर्कल आई बस सुन, माइनस क्या आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इनटू पाई. अब पाई की वैल्यू 22 बाय 7. अब पहले से क्या अपॉन में 2, r कितना है 25 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाय 25 अपॉन में 2 माइनस हाफ बेस कितना है 7, हाइट कितना है 24 बेटा हाइट ये होता है क्या, अगर ये ट्रायंगल बना है अपना तो ये क्या होगा हाफ ये बेस और ये क्या हो गया हाइट, ये खुदी क्या हाइट. अब अगर कोई ट्रायंगल ऐसा है इसकी क्या हो गया हाइट ये, और अपने को निकालना पड़ता है. अब इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा एरिया ऑफ शेडेड एरिया. हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना, सिर्फ शेडेड रीजन निकालना है, देखना है क्या दिया है और कैसे निकाल सकते हैं. आई बात सुनने सॉल्व करो बेटा बताओ सही आ गया. इन द फिगर 12.2 इफ रेडियस ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक का मतलब पता है ना, एक सेंटर से दो सर्कल बनाएगा कॉन्सेंट्रिक, ठीक है. इसके बाद दिया जाएगा सर्कल विथ सेंटर ओ आर 7 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, एंगल ओ ए सी इक्वल्स टू कितना दे रखा है 40. देखो सुनो, एक सेंटर लिया, इस सेंटर से रेडियस कितना लिया हमने 7 सेंटीमीटर. ये सेंटर का नाम क्या हमारे ओ, क्या नाम है ओ, और ये एंगल कितने का बना रहा है 40 डिग्री का. फिर इसी सेंटर से जब रेडियस कितना लिया आपने 14 सेंटीमीटर, देखो ये रेडियस कितनी दी है 7 सेंटीमीटर. इसी सर्कल से जब हमने रेडियस कितना लिया 14 सेंटीमीटर, ये कितनी है रेडियस 14 सेंटीमीटर. और इसका नाम क्या हमारा एसी, क्या नाम है हमारा ये एसी. तो फर्स्ट लिखेंगे अपन रेडियस ऑफ इनर सर्कल, इनर जो अंदर वाला सर्कल है उसकी रेडियस क्या हो गया 7 सेंटीमीटर. या फिर ऐसे लिख सकते हो रेडियस ऑफ स्मॉल सेक्टर भी लिख सकते हो. आई बस सुनो, फिर रेडियस ऑफ आउटर सर्कल, रेडियस ऑफ आउटर सर्कल इसकी रेडियस कितनी होगी 14 सेंटीमीटर. देखो इधर इनर सर्कल जो है इसकी रेडियस कितनी है 7, आउटर कितनी है 14. हमको कहा है ये निकालने को शेडेड रीजन, ये वाला पार्ट, यही बात सुनिए. अब इसको अपन कैसे निकाल सकते हैं, देखो एरिया ऑफ सॉरी एरिया ऑफ बिग सेक्टर या फिर जो आउटर वाला सर्कल है उसके सेक्टर में से इनर वाले सेक्टर को माइनस कर देंगे. तो ऐसा लिख सकते हैं कि देखो शेडेड रीजन, शेडेड एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन ऐसा लिख सकते हैं एरिया ऑफ बिग सेक्टर, बिग सेक्टर या फिर एरिया ऑफ बिग सेक्टर क्या है ओ ए, ओ ए सी ओ, ठीक है ना, यही तो आएगा ओ ए सी ओ. यहां से लेके ये क्या है ना बड़ा वाला सेक्टर, इसमें से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर. स्मॉल सेक्टर कहां से ओ बी डी ओ, ओ बी डी ओ. अब सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है थीटा अपॉन में r cos स्क्वायर माइनस थीटा अपॉन में 360 इनटू पाई. ये आगे बस अब चाहो तो थीटा अपॉन में 360 पाई ले लो कॉमन वैल्यू पुट करके उसको सॉल्व कर दो और अपन इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं. आगे बात समझ में आया, एंगल कितना देके रखा है 40, ए कोस सी कितना दे रखा है 40, या तो फिर ये थीटा अपॉन में 360 इनटू पाई के ले लो कॉमन, नहीं लेना हो तो ये थीटा की जगह 40 पाई की वैल्यू क्या 22 बाय 7 आ कितना है 40 इनटू 40 माइनस थीटा कितना है
upon 360 by 22 by 7. 7 into 7 से 7 7 2 सा 14 इसको सॉल्व करके कितना आएगा 180 10 से 10 इसको पूरा सॉल्व करके इसमें से इसको माइनस कर दो आ जाएगा अपना एरिया ऑफ आ रही बात सुन ये देखो ये ए बी सी डी वो बेटे इधर देखो ए बी सी डी क्या है स्क्वायर अब हो जाएगा ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर स्क्वायर की साइड कितनी है 14 सेंटीमीटर कोई दिक्कत नहीं आता अब देन इसके अंदर एंड ए पी डी एंड बी पी सी आर सेमी सर्कल ठीक है ना एक ए बी डी कौन सा है ए बी डी नहीं ए पी सी है जैसे ये सेंटीमीटर क्या बना ए पी सी और एक कौन सा बना बी पी सी ये दोनों क्या है सेमी सर्कल किसके अंदर ये सर्कल के अंदर आप बोल रहे हैं अपने को ये फाइंड करना है शेडेड रीजन क्या फाइंड करना है अपने को ये शेडेड रीजन अब देखो इधर इसमें से अपने को पता है कि अपन इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं पहले क्या निकालेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर उसमें से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ सेम 2 इनटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल आप बताओ सेमी सर्कल की रेडियस दी है क्या निकल जाएगी ना क्या आएगी क्या आएगी जो सेमी सर्कल बनता है ये क्या होता है उसका डायमीटर तो स्क्वायर की चारों साइड्स क्या होती है इक्वल तो ये 14 तो ये भी कितनी होगी 14 तो क्या बन गया इसके लिए डायमीटर डायमीटर का हाफ करोगे तो क्या आएगा तो रेडियस ऑफ सेमी सर्कल रेडियस ऑफ सेमी सर्कल क्या आ जाएगा ठीक है फिर क्या आएगा साइड ऑफ स्क्वायर साइड ऑफ ये कितनी है 14 अब क्या लिखेंगे शेडेड सॉरी एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 2 इनटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल आ रही बात सुन शेडेड रीजन का अगर एरिया निकाल लो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू क्या आएगा एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस क्या आएगा 2 इनटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल उससे इनटू क्यों किया क्योंकि दोनों सर्कल की रेडियस क्या है सेम अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल 1 अपॉन में 2 पाई आर स्क्वायर 2 से 2 ए की वैल्यू क्या दी है इस जो ए ये स्क्वायर की साइड होती है उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं अपन ए से ए की वैल्यू क्या है 14 ली आर कितना है अपना 7 वैल्यू पुट करना और आंसर निकाल लेना ठीक है और क्वेश्चन नंबर 4th और 5th भी तुमसे बन जाएगा ठीक है ना 4th और 5th ट्राई करना नहीं आता है तो मंडे को आकर टेस्ट देना स्क्वायर